हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर रिएक्ट कर रहा हूं मैं तू हीर मेरी द मस्तम कुछ मूवी आ रही है पाकिस्तान में, उसका टाइटल सॉन्ग है, इमरान अशरफ हैं इसके अंदर एंड अमार खान हैं। 1-2 रिकॉर्ड यानी कि बिलाल सईद के चैनल पर रिलीज़ हुआ है, तो मैंने उनका शायद कुछ देखा भी था कि उनके ही चैनल पर रिलीज़ होंगे इसके सारे म्यूज़िक है वो 1-2 रिकॉर्ड पर यानी कि बिलाल सईद के साथ रिलीज़ होगा सारे के सारे बदम मस्तम के। बाकी आप इससे रिलेटेड और कुछ देखना चाहते हो या फिर कोई भी कंटेंट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। टाइटल से बड़ा ही रोमांटिक सा लग रहा है मुझे। इमरान अशरफ, अच्छा इनका तेरा दीवाना सुना था, वाओ। आहा, मैं डोर तेरी मांझा मेरा, क्या बात है। म्यूजिक अच्छा होगा यार इसका। जैसे शाम की खुशबू, वाओ। जैसे हाथ में जुगनू, जैसे ख्वाब का जादू, ब्यूटीफुल। बादलों पे पांव रखे, बूंद बूंद आए कोई, आबशार बनके मेरी रूह में ढलता जाए कोई। दिल पे मेरे भेद खुला है, मखमली सा जो रिश्ता बुना है, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, सोनी मोनी गला तेरी ओ, तू हीर मेरी, सोनी मोनी, समझ रहे हो, क्यूट। वाओ, लिरिक्स जान है, लिरिक्स तेरा साथ मिला तो सौ रंग खिले हैं, मेरी मुट्ठी में तारे दो जहान मिले हैं। तू कदम जहाँ पर रखे जिंदगी वही है मेरी, दिल पे मेरे भेद खुला है, मखमली सा जो रिश्ता बुना है, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, सोनी मोनी गला तेरी ओ, तू हीर मेरी, तू राजा मेरा, तू डोर मेरी, तू मान जा मेरा, वाह। राइट, टाइटल मुझे रोमांटिक लग रहा था इसका, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा एक लेवल ऊपर, एक पॉइंट ऊपर निकला ये गाना मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके लिरिक्स जो होते हैं बहुत तगड़ी, बहुत ही जानदार चीज़ होती है। किसी भी उसमें अगर गहराई से लिख के जाएँ तो लिरिक्स की वो बात करूँगा मैं। वोकल्स नबील शौकत अली, नबील हैं ये यार, मुझे इमरान अशरफ हैं या नबील शौकत हैं। मैंने तेरा दीवाना जो गाना देखा था उसमें भी यही थे जो एक्टर थे जो गाने में, उसमें जो वोकल्स हैं नबील शौकत अली के हैं। नबील शौकत अली, यार मेरा भी दिमाग नबील शौकत अली को मैं जानता हूँ। अच्छे सिंगर हैं, बीना खान और नबील शौकत की आवाज़ थी इसमें। शीशा के लिरिक्स कमाल के हैं, मैंने इनका नाम और भी सुना है किसी और गाने में शायद। तो ज़्यादा डीप या ज़्यादा अपने रास्ते से ना हटते हुए मैं यही कहूँगा, लिरिक्स ने इसमें जान डाली है, बाकी आवाज़ ने इसको खूबसूरती दी है। लिरिक्स शोना मोना, वही मेरे दिल में जो शोना मोना वाला सीन जो था, एक कपल वाला, एक नई एज के जो कपल होते हैं आजकल के, शोना मोना बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भी चीज़ इसमें डाली गई है। मांझा डोर वाले लिरिक्स इसमें कमाल के हैं। सूरज और ढलता सूरज होती शाम जैसे, हाथ में मुट्ठी मैं शाम, वैसा कुछ पोर्ट्रेट
एक एग्जांपल्स जो देते हैं ना दुनिया भर की नेचर के, और वैसे कुछ लिरिक्स अगर लिखे जाएं गहराई से तो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आप सुन तो रहे हो लिरिक्स, कमाल की उसकी थीम है, कमाल का म्यूज़िक है, कमाल की लय और सुर हैं उसके गाने के, उसके साथ साथ जो लिरिक्स आपको ले जाते हैं दूसरी दुनिया में वो मैटर करता है। तो वैसा कुछ मुझे इसमें फील हुआ, लेकिन एक सिनेमेटोग्राफी में मुझे कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा का मतलब आँखों को बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लगा। सीन्स अच्छे थे, लोकेशंस अच्छी थी, लेकिन मुझे कलर ग्रेडिंग थोड़ी सी और बेटर होती तो मज़ा आ जाता इसमें, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, किस पर रिएक्शन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।